देहरादून में बनने वाली फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर आज देहरादून पहुंचे। शक्ति कपूर ने प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की सिटी जिसमें मनोरंजन के सभी साधन एक ही जगह पर उपलब्ध हों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है और इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होते ही वह अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून आएंगे। जीटीएम के प्रोजेक्ट फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी के प्रमोशन के लिए आज बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर देहरादून के घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, जहां उन्होंने एंटरटेनमेंट सिटी के बारे में बताते हुए कहा कि देहरादून के अंदर ऐसी सिटी के बनने से लोगों को एक स्थान पर मनोरंजन के सभी साधन मिल सकेंगे। ये हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से दुनिया में मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी कि एक पूरी बिल्डिंग के अंदर एक ऐसी सोच है जहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट है, खाना है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स है, आपके डिफरेंट थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और जिस दिन ये तैयार होगा, मेरे हिसाब से मैं उस दिन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन रिक्वेस्टिंग मिस्टर तुषार जी कि मुझे पूरा दिन यहाँ पे रहना है। सुबह आऊँगा विद फैमिली, अपने बच्चों को लेके आऊँगा। देवभूमि न्यूज के लिए कैमरामैन पवन नैथानी के साथ अनुपम भारद्वाज।